जब उसको बच्चों को बंटवाया जा रहा था तो एक बच्चे के टिफिन में वो पहुंचा, उसने बताया और उसके बाद बांटना रोक दिया। क्या बच्चों की तबीयत खराब हुई इससे खाने से? इससे पूर्व 9 बच्चे उसको खा चख चुके थे। 9 बच्चे और एक टीचर जो उसका निरीक्षण करते हैं वो उसको चख चुके थे, और उनमें से एक तो टीचर सिर दर्द बता रहे थे और एक बच्चे को उल्टी लगी थी। तो वे कहाँ एडमिट है? वो उनको इस समय सरकारी अस्पताल मुजफ्फरनगर। जो प्राथमिक जानकारी है वहाँ मिड डे मील की जिम्मेदारी एक गैर सरकारी संगठन को एनजीओ के पास है, उन्हीं के द्वारा सप्लाई किया हुआ भोजन वहाँ पर दिया जाता है। अभी तुरंत ही घटना संज्ञान में आते ही उनको ब्लैकलिस्ट करने और उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश विभाग ने दे दिया है। मामले की और विस्तृत जाँच करा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट आने के बाद और भी कार्रवाई करेंगे।